हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहां करनाल पहुंचे। इस दौरान करनाल रेस्ट हाउस में उन्होंने चुनाव के उपरांत एवं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से ही उनकी जीत हुई है। अगर करनाल में मैं हूं मनोहर नामक मुहिम नहीं चलाते तो वह पूरे प्रदेश में भ्रमण नहीं कर सकते थे, जिसके कारण पूरे प्रदेश का कार्य वह सिर्फ कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही कर पाए हैं। उन्होंने जनता द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं करनाल पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मेरे बैठे सामने सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का खड़े होकर के तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय मनोहर लाल जी, करनाल की जनता ने आपको पलकों पर बिठाया, आपने जो जिम्मेवारी इनको सौंपी वो इन सब कार्यकर्ताओं ने, करनाल की जनता ने भली भांति आपकी गैर हाजिरी में जितना आप समय करनाल की जनता को दिया। कुछ दम दिखाना तो मेरे साथ दिखाओ ना, भारत माता के, आवाज जरा और ऊंची चाहिए, भारत माता के, भारत माता के, उधर वाले भी सामने आ जाए, सामने आ जाए, सामने खड़ा रहेंगे, सही होगा जी, बैठो जी, आगे लेके आओ सबको, सबको लेके आओगे, आगे ले आओगे। हम सब कार्यकर्ता एक समान है, अलग अलग नहीं। इधर आओ अग्गे जी, अग्गे 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 जी, अग्गे अग्गे आओ, अग्गे दानवीर कर्ण जी की धरती पर सभी हमारे संत महात्माओं के आशीर्वाद से और ये विधानसभा करनाल अपने सभी सेवा धर्मी ऐसे हमारे आत्मीय सज्जन कार्यकर्ता बंधु, यहाँ के हमारे सभी मतदाता बंधुओं को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा खड़ो ये रोजा ताकि पीछे हमारे कुछ कार्यकर्ता और नजर में आ जाएंगे। आज सब लोग वहां जाना दूसरों ने पर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। सभी अपने आत्मीय जनों को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस बार के 2019 के अपने इस चुनाव में एक परिश्रम तो किया ही किया, मन में एक जो भाव लिया, मैं भी मनोहर, कुछ लोगों ने तो इससे आगे बढ़ के कहा कि मैं ही मनोहर, एक बहुत अच्छा मन बना करके और उसमें परिश्रम करके और पूरी जनता के साथ संपर्क करते हुए अपनी जो जीत दर्ज कराई, अभूतपूर्व जीत यहाँ हुई है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये भी श्रेय करनाल के ही अपने बंधुओं को मैं देता हूँ, जिस कारण से मुझे पूरे हरियाणा में लगातार जो प्रचार करने का समय मिल पाया, आपके कारण से मिल पाया। 1 तारीख को नामांकन किया था, 5 को
जिस दिन स्क्रूटनी का दिन था उस दिन स्वाभाविक है मेरा कार्यक्रम और कहीं बनना भी नहीं था, तो 5 को भी कुछ समय यहाँ मैंने लगाया लगातार 6 तारीख से, और फिर 19 तारीख दोपहर तक मैंने विभिन्न विधानसभाओं में 83 विधानसभाओं में मेरा जाना हुआ, करनाल समेत 83 है तो 82 और विधानसभाओं मेरा जाना हुआ, और फिर अंतिम कार्यक्रम के लिए 19 तारीख को सायकाल मैं आपके बीच में आया, केवल इसलिए कि कार्यकर्ताओं को किसी को यह ना लगे बिल्कुल नहीं आया, तो इसलिए एक अंतिम कार्यक्रम में मुझे आकर के यहाँ मिलने का भी अवसर मिला। हरियाणा भर में एक बहुत अच्छा अभियान पार्टी ने, सहयोगियों ने, समर्थकों ने, सबने चलाया। लोकतंत्र में हमेशा जनादेश जो होता है उसको स्वीकार करना होता है। हमने लक्ष्य थोड़ा ऊंचा रखा था लेकिन कारण बहुत से जानकारी में हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो बाद में भी जानकारी में मिलते हैं, बैठ के समीक्षा भी करेंगे कि हम उस लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर पाए, फिर भी सबसे बड़े दल के रूप में हरियाणा में 90 में से 40 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करके सबसे बड़े दल के रूप में आए, जो कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो प्रत्यक्ष बहुमत न सही, अप्रत्यक्ष बहुमत के नाते हम लोगों ने प्रयत्न किया और सरकार बनाने के लिए 57 विधायकों का एक सामूहिक रूप से, जिसको कहना चाहिए अप्रत्यक्ष बहुमत प्राप्त करके, गवर्नर साहब से निवेदन किया कि हमको निमंत्रण दें। गवर्नर साहब ने निमंत्रण दिया और कल ही दीपावली के दिन दूसरी बार शपथ ग्रहण करने का जो अवसर मिला, इसके लिए भी मैं आप सबका, हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि दीपावली का दिन है आज क्यों शपथ ग्रहण रख लिया, अब मालूम नहीं कैसे वो ध्यान में आया लेकिन हो गया। होने के बाद बहुत लोगों ने कहा कि बहुत ऐतिहासिक काम हो गया, मैंने कहा क्यों कि स्वतंत्र देश में किसी का भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम दीपावली के दिन कभी नहीं हुआ, ये भी पहली बार हुआ। कुछ लोगों ने तो दीपावली के दिन का राज तिलक इसको बड़ी बड़ी संख्या दे दी और एक बड़ा दायित्व भी कंधों पर डाल दिया कि दीपावली के दिन राज तिलक का मतलब होता है राम राज्य लाना। मन का भाव हमारा वही है कि इस प्रदेश में शासन के नाते एक सुशासन, एक अच्छा राज्य, उसको संज्ञा कोई भी हम दे लें लेकिन आखिर जनता, जनता की अपेक्षा, युवाओं का सपना और हम जो इच्छा है उस प्रकार का काम कर सकें, उस ओर प्रयत्न ने पिछले 5 साल किए, एक दिशा तय हो गई। दिशा तय होने के बाद इसको सबने सराहा भी है, अब उसमें काम 5 साल में सीमित समय होता है, जितना हुआ हुआ है, फिर भी काम बहुत बचा हुआ है, उस काम को करने के लिए इस 5 साल का पूरा उपयोग होगा। मैं समझता हूँ जैसे भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक हैं, उसी भाव भावना से बाकी सब विधायक भी, जो 17 और विधायक हैं, वो भी उसी भाव भावना से काम करके, कंधे से कंधा मिला करके हम लोग चलेंगे और इस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। स्वाभाविक है एक दल जब होता है तो अपना ही विचार होता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जब मिली जुली ऐसी सरकार होती है तो बाकियों के भी, उनका विचार जो होता है उसका भी सम्मान करना, ये हमारा धर्म, हमारा दायित्व है। तो मिलजुल करके हमको जब चलना है, अब ये बात सही है कि चाहे कोई भी हो, कोई विधायक या कोई दल, प्रदेश के अहित में तो कोई नहीं सोचेगा, सब हित में ही सोचेंगे। इतना अंतर हो सकता है थोड़ा बहुत, किसी का विषय, किसी का विभाग, किसी के जो कैटेगरी ऑफ, जिसको कहना चाहिए ग्रुप ऑफ पर्सन, सोसाइटी, किसी का अपना कोई प्राथमिकता हो सकती है, किसी को कोई प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के हरियाणा की जनता का हित, ये हम सबका लक्ष्य है, उसको हम पूरा करेंगे। आज तो चूंकि एक प्रथम आगमन इस दूसरे सत्र का कल शपथ के बाद हुआ है,
मुझे बहुत कुछ कहना भी नहीं है और मैं सोच के भी नहीं आया हूँ जिसको कहना चाहिए पहला एक औपचारिक मिलन। वैसे तो मैंने कल शाम को कार्यक्रम बनाया था कि दीपावली जाके वहीं मनाई जाए, मेरे मन का एक उत्साह था। दो घंटे तो विषय चला कि करनाल जाना। दो घंटे बाद किसी अपने ही बहुत निकट के कार्यकर्ता ने ध्यान कराया कि आप दीपावली के दिन वहां जा तो रहे हैं, सबको अच्छा तो लगेगा लेकिन ऊपर ऊपर से लगेगा, अंदर से सभी ये कहेंगे कि मैं ये पूजा करने के लिए, मैंने वो करना था, ये करना था। कार्यकर्ता फिर भी मानस को समझा लेगा, लेकिन मेरे आगमन पर समस्या क्या है कि एक 200-300 लोगों का जो एक सिस्टम है वो एक व्यवस्था में लग जाता है। 20-30 बंधु तो हमारे ये अभी भी ड्यूटी दे रहे हैं, इनको भी साथ चलना पड़ता। 100-200 और व्यवस्थाओं में एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक लगते, यहाँ रहते तब भी लगते, सवेरे जाते यहाँ तक भी लगते। तो दीपावली का अवसर ऐसा होता जो पारिवारिक होता है, व्यक्ति ज़्यादा होता है, तो मुझे लगा ठीक नहीं है, इसलिए दीपावली के दिन न जा करके अगले ही दिन जाया जाए ज़्यादा अच्छा है। क्यों, निर्णय ठीक किया क्या? नहीं, कल शाम को आता तो सब कहते तो ही ठीक है जी, आगे जी स्वागत करने चले, लेकिन इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न नहीं होता। नहीं, अच्छी बात है, गोवर्धन पूजा है वो एक पूजा का समय, लेकिन दीपावली के अवसर पर शाम के समय, क्योंकि शाम को मेरा समय बन रहा था यहाँ 6 बजे आने का और रात को 8 बजे तक रुकने का, वो अवसर मुझे लगा कि शायद पारिवारिक दृष्टि से भी उचित नहीं था, इसलिए मैंने उसको बदला भी सही। कुल मिलाकर के इन मामलों में थोड़ा अनाड़ी हूँ मैं, इसलिए ध्यान नहीं रहता। तो खैर, कुल मिलाकर के आप लोगों से मिलना हुआ और एक आनंद का ये विषय है। एयरपोर्ट पर भी मैं आया तो काफ़ी बंधु वहाँ मिल गए थे, जो लोग वहाँ नहीं मिले हैं स्वाभाविक है, अब वो मिलने की इच्छा करेंगे, मैं हूँ सब मिलेंगे। एक कार्यकर्ता एक समय में एक ही बार मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर बाकी सबकी बारी नहीं आती है। जो एयरपोर्ट मिले हैं, जो मिले हैं वो बाद में मिले, बाकी जो अभी नहीं मिले वो पहले मिले, ठीक है ना? ये बात ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुल्तान सिंह पद्मश्री, मैं सभी हल्का नीलोखड़ी वासियों को हैप्पी दिवाली, और मैं धनतेरस और गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से इस साल यह हैप्पी दिवाली है तो आने वाला दिवाली भी हमारी इसी तरीके से खुशियां लेकर आए, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सुल्तान सिंह पद्मश्री गाँव बुटाना से। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनार पुत्र नीरज उर्फ विक्की की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनहार पुत्र नीरज उर्फ विक्की भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनहार पुत्र नीरज उर्फ विक्की की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।